हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ करण। मैं RVM CAD में CAM एंड रोबोटिक्स का ट्रेनर हूँ। लास्ट टाइम आपने रोबोटिक्स की वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जो भी हमने टॉपिक एक्सप्लेन करे थे उसमें रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, रोबोटिक्स किस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है वो एक्सप्लेन किया था। तो आज हम उसी को ही थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और एक देखेंगे रोबोटिक्स में ऑटोमेटिक प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, रोबोटिक्स में मैंने बताया था कि तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क कर रहा है, एक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक जॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जॉइंट में आपने देखा था सिंगल सिंगल पर्टिकुलर एक्सिस वर्क करती हैं। एक बार फिर मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि J1, J2, J3, J4, J5, J6 सिक्स पर्टिकुलर एक्सिस हैं, वो जॉइंट में सिंगल सिंगल वर्क करती हैं। अगर मैं J1 प्रेस कर रहा हूं तो J1 में वर्किंग हो रही है, ठीक है। J2 प्रेस कर रहा हूं तो J2 में वर्किंग हो रही है, J3 प्रेस कर रहा हूं तो J3 जॉइंट 3 में वर्किंग हो रही है, J4 प्रेस कर रहा हूं तो जॉइंट 4 में वर्किंग हो रही है, J5 प्रेस कर रहा हूं तो J5 में वर्किंग हो रही है, एंड J6 प्रेस कर रहा हूं तो J6 में वर्किंग हो रही है। ये सिंगल सिंगल जॉइंट मोड में काम कर रहा है। अभी हम देखेंगे यूजर कोऑर्डिनेट में कैसे वर्क करता है। मैंने यहां से टीच पेंडेंट से यूजर कोऑर्डिनेट एक्टिव कर लिया। यूजर में क्या होगा, जो कंट्रोलर है वो रोबोट को डिफाइन करेगा एट द टाइम दो या तीन एक्सिस एक साथ मूव करेंगी। एक्सिस जो ये टिप है, इसकी एक्सिस है, उसको एक लीनियर एक्सिस मेंटेन करने के लिए। देखो यूजर कोऑर्डिनेट एक्टिव है। अगर मैं इस टिप रोबोट को मूवमेंट देता हूं एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, तो ये टिप की जो हाइट है अगर मैं बेस से देखूं तो एक ही हाइट पे मेंटेन हो रही है। अगर मैं वाई में मूव कर रहा हूं तो हाइट चेंज नहीं हो रही इसकी, और जेड में मूव कर रहा हूं ना एक्स वाई में मूव हो रहा है, सिर्फ जेड में वर्किंग कर रहा है। जे फोर अगर मूव करता हूं, देखो एक ही एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है वो, यही। अगर मैं टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता हूं तो टूल में वो एक एंगल मेंटेन करता है। टिप देखो, इसकी टिप कैसे एंगल में मूव कर रही है। जो जॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें सिंगल सिंगल एक्सिस पर्टिकुलर मूव कर रही थी, यूजर कोऑर्डिनेट में कोई भी दो या तीन एक्सिस सेम टाइम पे मूव करती है इस टिप की लीनियर एक्सिस मेंटेन करने के लिए। चाहे वो आप एक्स में चला लो, चाहे आप वो वाई में चला लो, चाहे आप वो जेड में चला लो। अगर आप इसको टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मूवमेंट कराते हैं तो टिप जो है हमारी एंगुलर मूव करती है, मतलब इंक्लाइन ट्रेवल करती है। और अब हम देखेंगे इसमें हमने एक ये डेमो पार्ट रखा हुआ है, इसका प्रोग्राम ऑटोमेटिक रोबोटिक्स में कैसे चलाते हैं। एक स्पेशल करेक्टर का हमारे पास प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे RSR0001 के नेम से एक प्रोग्राम है, इसमें मैंने एक प्रोग्राम कॉल कर रखा है। ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलाने के लिए ये स्पेशल आपके टीच पेंडेंट में प्रोग्राम मिलेगा। इस टीच पेंडेंट में जो आपने प्रोग्राम चलाना है ऑटोमेटिक विदाउट टीच पेंडेंट की हेल्प से, तो उसको आप ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल से भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्पेशल प्रोग्राम मैंने बताया RSR0001 के नेम से, उसमें एक प्रोग्राम कॉल करना पड़ेगा जिसको आपको इसको ट्रैवल कराना है। टीच पेंडेंट को डिसेबल कर देंगे और वहां से कंट्रोल पैनल से ऑटोमेटिक मोड ऑन कर देंगे। ये कंट्रोल पैनल है। अभी मैंने क्या किया, टीच पेंडेंट में उसमें स्पेशल प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम कॉल कर लिया और टीच पेंडेंट को डिसेबल कर दिया और कंट्रोलर पे ऑटो मोड एक्टिव कर दिया, जो मैनुअल मूवमेंट के लिए यूज होता है। T1 T2 जिसमें आपकी स्पीड डिफाइन होती है, और एक ऑटो, ऑटो पे आप की को कर देंगे तो ये आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन करेगा। रेड बटन प्रेस करके जो साइकिल स्टॉप का, उससे हम एक बार रीसेट करेंगे इसको,
देन ग्रीन बटन प्रेस करके इसको साइकिल स्टार्ट करेंगे। अब जितनी बार भी आपको जितने भी पार्ट्स पे काम करना है, ये पीछे आके वेट लेगा, इसमें वेट का भी ऑप्शन होता है, इसको वेट लगा के फिर वहां पे जो भी कन्वेयर चल रहा है उस चैन को साइड करेंगे, पार्ट को चेंज करेंगे, कन्वेयर ऑटोमेटिक पार्ट चेंज कर देगी, तो फिर अगेन जो भी इसका ऑपरेटर होगा वो साइकिल स्टार्ट प्रेस करेगा तो फिर वर्किंग में आ जाएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।